APM this way. Bernama. Walk my APM this way. Bernama. Walk my APM this way. Bernama. Exam PM 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 this way. Bernama. Administration Rasi. Bernama. Administration Rasi. Bernama. Administration Rasi. Bernama. Administration Rasi. Bernama. Administration Mohar. Bernama. Administration Mohar. Bernama. Walk my PM this way. Bernama. Exam PM this way. Bernama. Exam PM this way. Bernama. Exam PWD. Bernama. Exam PWD. Bernama. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन और मैं हूं शेख साबिर। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला रियासी के तहसील मोहर में और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तुकसुन एरिया है। हमारे साथ यहां पे लोकल्स मौजूद हैं, इनको यहां पे रोड की काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पे रोड की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। यहां पे हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं यहां के शिविर अहमद चौहान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है और भी यहां पे लोकल्स मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम आखिर क्या प्रॉब्लम है इनको। जी बताइए, क्या मसला है आपका? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ये अपना वक्त निकाल कर आप हमारे पास आए, हमारे दर्द को समझे। हमारी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन महकमे PMGSY कम से कम 15 साल से हैं, जो जिसका पॉइंट है अंगलाला टू गुलाबगढ़ 17.5 किलोमीटर, ये PMGSY के अंडर हैं। लेकिन 15 साल गुजर गए, इस सड़क से सालाना करोड़ों के तहत रकम निकाली जाती है पब्लिक के नाम पे। आपको हम बखूबी, आपने इस रोड का मायना किया, आप देख रहे हैं अभी हमारी रोड न इसकी वाइडिंग हुई है, न इसके डंगे कंप्लीट हैं, इस पे दो पुल हैं दो जगह में, न वो पुल कंप्लीट है, इसकी नाली कंप्लीट नहीं है, पूरा जो है खनखाड़ करके छोड़ा है। जहां पर आज के डेट में कभी कभार परेशानी आती है तो ड्राइवर लोग इस सड़क को खुद ठीक कर इस्तेमाल करते हैं। और महकमे PMGSY के जो जूनियर जेई हैं, AW हैं, एक्शन साहब हैं, हमने कहीं बार उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, कहीं बार उनको फ़ोन कॉल किए, कहीं बार हमने उस ठेकेदार को बुलाया, और ये डिपार्टमेंट के मिली भगत से ये चीज़ चल रही है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट शिकंजा कसता उस ठेकेदार को जो इस रोड पे काम नहीं करता, उसको ब्लैकमेल करते, पब्लिक सफ़र नहीं होती। ये हालात है हमारे रोड की। ये रोड बनी कब है, कितना टाइम हुआ इसको? मैक्सिमम कम से कम 14-15 साल हो गए इस रोड को खुदाई की हुई। 2006-07 के आसपास इस रोड को यहाँ पॉइंट उठाया गया है अंगराला गुलाबगढ़ के नाम से, लेकिन इतने 15-16 साल गुजर जाने के बाद भी ये रोड अभी कंप्लीट नहीं है। पगी हालत तक इसकी पूरी हालत ऐसी है। पिछले साल कोई हिलाल नामी कोई कंट्रैक्टर आया है आगे किसी ठेकेदार के आगे, ठेकेदार कोई फैजान जरगर है, आगे उसने कोई लिखत पढ़त में कोई हिलाल लगाया श्रीनगर का, उसने पिछले साल मार्च में कुछ इस पर कोई थोड़ा बहुत ये जेस भी किया, कभी 7 फुट कभी 10 फुट कभी 5 फुट ऐसे करके ये बग्गा से मटेरियल उठाया गया और इस रोड पे बिछाया गया 5 किलोमीटर पे। उन्होंने कहा हमने इस पे ब्लेड टॉपिंग करनी है। वो दिन और ये दिन हुआ, वो ठेकेदार फरार है। यहाँ के लेबर का, ये शदौल के कुछ लेबर हैं, देवल की कुछ लेबर उसके साथ थी, उनका पैसा खाकर भाग गया है। 1-1.5 साल हुआ, बीच में कोविड हुआ, चलो उसको हम कुछ टाइम वो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बाद वो ठेकेदार यहाँ नहीं देखा गया। और इस रोड की ये हालात है, ना यहाँ पे महकमे का कोई आदमी आता है, ना सुनवाई होती है। हमने 1000 बार जब भी कोई पब्लिक दरबार हुआ, कभी मीटिंग हुई अफसरों के साथ, हमने इस रोड का तज़करा किया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब? हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन मोहर से रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद DC साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप अगर हमारी आवाज़ को सुनोगे और हमारे इस रोड पे आप एक दौरा करें। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो ऑफिसर हजरात हमारे इस सड़क पे ना आए हैं वो बखूबी देखें इसमें हालात क्या है। ये पीछे भूल गया मैं कुछ, बग्गा से 10 किलोमीटर यहाँ टुकसन के पर्ली साइड तक PWD के अंडर है 10 किलोमीटर, उसका भी यही हाल है। आप इस रोड जाएंगे आप देखो, वो 10 किलोमीटर PWD के हाथ है। वो 2007-08 में उन्होंने उस पर कोई 2 इंच की ब्लैक टॉपिंग की बेखबरी में लोगों को, आज वो दिन और ये दिन हुआ, उस रोड की भी यही कंडीशन है। दोनों सड़कें जो ये 27.5 किलोमीटर बग्गा टू गुलाबगढ़ है, दो डिपार्टमेंटों के अंडर, दोनों की खस्ता हाली है।
इससे पहले आपने उनको बताया कहीं बार मैंने आरटीआई लगाई है एक्शन पीएमजीएसवाई को 29 मार्च को मैंने आरटीआई एक दायर की, उसमें मैंने इनको ये मांगा कि सेकंड टेंडरिंग ठेकेदार का नाम बताओ और सेकंड टेंडरिंग में आप बताओ आपके पास फंड्स कितना था और टेंडर किसके पास है, आपने यूटिलाइज कितना पैसा किया, अनयूटिलाइजेशन बैलेंस कितना है। अभी तक उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया उन्होंने। बाकी तो काम की वो तो इसी बारे में हम कर रहे थे कि थोड़ा हम ग्राउंड रिपोर्ट लें कि यहाँ मामला क्या है, लेकिन नहीं सुनते हैं और ना उन तक ये मतलब उनको यहाँ से नीचे ये बात ही नहीं उतरती है लोग क्या कह रहे हैं, परेशान क्यों हैं। हमारे रोडों पे लाख लाख रुपया जेई एडब्ल्यू एक्शन लाखों में तनख्वाह लेते हैं हमारे लोगों के नाम, लेकिन हमारे लोग फिर भी सफल। आज के डिजिटल दौर में हमारे मोहर डिवीजन के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, आप दमनी टू देवल बदोरा की बदर की सड़क की बात करो, आप गुलाबगढ़ की सड़क की बात करो, आप पीछे चसाना जाकर देखिए जितनी सड़कें खोली हुई है उनका यही हाल है। आप यहाँ बठोई वाली सड़क चलो थोड़ी बहुत वो चल रही है, बाकी उससे आगे उसका हालत देखिए, पूरे डिवीजन में सड़कों का खस्ता हाल ही है। ठेकेदारी और डिपार्टमेंट की मिली भगत है, काम कर नहीं रहे। ये रोड कितनी है पूरी जिसमें ब्लैक टॉप नहीं हो रही है और ना ही ये रोड बिल्कुल, ये 10 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के हाथ है तो 17.5 किलोमीटर ये महकमे पीएमजीएसवाई के अंडर है, जिसमें दो पुल हैं, एक शदोल नाला पे एक लार नाला पे भी पुल है जो वो भी अभी अधूरे हैं। पहले भी एक पुल है इस साइड, वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, वो उन्होंने कंप्लीट किया है जो नाला ब्रालशिली में है, वो पिछले साल कंप्लीट हो गया है, उसको 2 साल हो गए फाल कर रहा है। आपका ये वाला जो आगे वाला पुल है वो अभी कंप्लीट हुआ? बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिल्कुल इतने लोग हैं यहीं से कोई गुलाब कोई नहीं कोई पुल कोई काम नहीं करता है वो कब शुरू हुआ है वहाँ पे वो पुल? वो भी जब वो कम से कम 2014 से वो पुलों की वो आई है अलॉटमेंट आई है, जब वहाँ पे बारिश ज्यादा दरिया वहाँ पे दरिया है, जब वो दरिया ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बस उधर के लोग इधर फुट ब्रिज है वहाँ शदोल में, उससे फिर लोग गुजारा करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ फोड़, यहाँ का ट्रांसपोर्टर जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, लोगों ने लोन लिया गाड़ियां ली बिजनेस के लिए रोजगार के लिए, और दिन को जो गाड़ी वाला कमाता है शाम को मिस्त्री को दे के आता है, सुबह तब वो चलाने के लायक होती है। यहाँ की पूरी जो व्यापार है मतलब कोई बिजनेस का सिस्टम है, इस रोड की वजह से जो है मार लगती है। एक तो किराया ज्यादा है, किराया ज्यादा क्यों है, रोड खराब है, रोड ठीक होता तो किराया कम होता। हमारी ये परेशानियां हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, और बिलखसूस जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश रहेगी कि इन अफसरों को खुदारा और उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दो जो इन्होंने रोड पे मिस एप्लीकेशन फंड्स किया है, जिन्होंने हमारे खजाने को लूट के खाया है। आप लोग बख्शेंगे नहीं तो मैं अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्र हूं जो आप यहां अपना टाइम निकाल कर आए, हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जी, मैं आपको बता दूं आखिर लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है यहां पे इस रोडों पे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा इस रोड पे ज़्यादा हादसा भी होते रहते हैं, आपने खबरों में भी देखा होगा सोशल मीडिया पे इस रोड की इतनी वीडियो वायरल भी होती हैं, लेकिन फिर भी इंतजामिया क्यों आखिर सुस्त पड़ी है। कैमरामैन चांदनाव आपके साथ, शेख साबिर कश्मीर फ्रॉम के लिए रियासी से। Introducing KashmirOnline.com, a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to 3 new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.